विजय चौहान के घर, लेकिन उसने तो हमें उसके ऑफिस में बुलाया था ना। भाई साहब, हमारी दिल्ली में सभी ऑफिस घरों में आ चुके हैं। मतलब संजय चौहान का यही घर है, यही ऑफिस है। And still so effective? Strange. आप चलिए तो। अंदर चले आइए भल्ला साहब। तशरीफ रखिए मिस्टर विजय चौहान। संजय चौहान और आप हैं चौहान एंड चौहान कंपनीज के मालिक विजय चौहान और मैं भल्ला। काम की बात कर लें। संजय साहब, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो चीज मुझे लेनी होती है मैं लेकर ही छोड़ता हूं। उसके लिए भले इनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, ले ही लेते हैं वो चीज। अच्छी आदत है। तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। वो तो मुझे मिल गया, पर मैं चाहता हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को मिले। सब यही सोचते हैं कि जीत उन्हीं को हो, पर जब कंपटीशन खुला होता है तो जीत सबको नहीं, सिर्फ एक को मिलती है, और इस कंपटीशन में वो एक संजय चौहान हो गया। देखिए जनाब, आप भी चौहान और ये भी चौहान, आपको बड़ों का मान तो रखना ही चाहिए ना। अल्लाह साहब, मैं जब बिजनेस करता हूं तो सिर्फ बिजनेस करता हूं, मानवान की नहीं सोचता मैं। ये है तुम्हारा ऑफिस, फैक्स, न पर्सनल कंप्यूटर न कोई स्टाफ। जी तो कैसे करोगे ये 5 करोड़ की कैंपेन? यहां से बात घमंड है अपने दिमाग पर? घमंड नहीं, भरोसा। जितनी मैक्सिमम कमाई तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से करने की सोच रहे हो वो मुझसे ले लो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। नो। अच्छा, सारा काम तुम कर लेना, सारा फायदा भी तुम्हारा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी का। मतलब? मतलब फायदा तुम्हारा, नाम हमारा। वेरी सिंपल, हमारी दिल्ली में तो यही चलता है जी। बिजनेस में पैसे के फायदे से बड़ी चीज होती है गुडविल, इसीलिए तो हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो,
क्या चाहिए तुम्हें? आप भूल रहे हैं मिस्टर विजय चौहान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, दरअसल आपको मुझसे कुछ चाहिए। तो दे क्यों नहीं देते हमें वो कॉन्ट्रैक्ट? आपको मिल जाता ये कॉन्ट्रैक्ट तो क्या मांगने पर आप दे देते मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट? अरे तुम अकेली जान और मेरा इतना बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज। फिर भी जीत गया संजय चौहान, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें मेरा ये ऑफर ठुकराना। अक्सर महंगी चीजें बड़ी मजेदार होती हैं विजय साहब, इस एक डील के प्रॉफिट से निकल जाएगी तुम्हारी सारी जिंदगी। हमारे भाई साहब से हाथ मिला लीजिए, सारी उम्र के मजे हो जाएंगे। हमारे भाई साहब बहुत ऊंची चीज है दिल्ली में। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते करते मैं भी उठ जाऊंगा ऊपर, सारी जिंदगी निकल जाएगी मुझ तक पहुंचने में। ट्रू बट इट्स वर्थ इट। तो तुम किसी भी कीमत पर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दोगे? कोई और बात करते हैं। 1 करोड़ क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या? 2 करोड़। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं मिस्टर विजय चौहान। अच्छा चलो नहीं बात करते हैं इस लेन देन की, तुम क्या क्या कर सकते हो? वो सारी चीजें जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा नहीं होता तो 600 करोड़ की कंपनियों का सोल प्रोप्राइटर आज यहां मेरे दफ्तर में इतने लो प्रोफाइल में बात करने के लिए मजबूर नहीं हो सकता था। मेरे लिए काम करोगे? आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारे। किस कैपेसिटी में? तुम जिस कैपेसिटी में चाहो उस कैपेसिटी में, बट वर्क फॉर मी। इंडिया में भाई साहब से ज्यादा सैलरी और पर्क्स देने वाला नहीं मिलेगा आपको। सोच लो। सोच लेंगे। कब तक जवाब दोगे? जब मैं चाहूंगा। साफ साफ बोलो ना यार। साफ साफ बोलना कई बार बिजनेस एथिक्स के खिलाफ हो जाता है। नेवर माइंड, जो कहना है जी साफ बोल दो। वेल आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड मी। इतनी जल्दी गुस्सा आ गया सच्ची बात पर? महंगी चीजें कहां मिल पाती है सस्ते में? एक ऐसी रकम जो तुमने कभी सोची हो लेकिन देखी ना, वो सोच कर आ जाना मेरे पास। चलो बेटा। भाभी आप खाना क्यों नहीं खाया? खाना? ओह यू मीन डिनर? वो खा लिया मैंने भाभी। कहाँ? यहीं। आई मीन बाहर फ्रेंड के साथ खा लिया। सच भाभी? भाभी से झूठ बोलना जब नहीं आता तो क्यों बोलते हो? वो भूखी मर गई थी भाभी, इसलिए यहाँ चुपचाप बैठा है खाली पेट। अब आपसे क्या बोलूं भाभी? तू इतना उदास क्यों है यही बता दे। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई क्या? भाभी अब ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट चला गया हमारे हाथ से जबकि दिन रात हमने मेहनत की थी उसके लिए, और वो भी यूं ऑलमोस्ट मिलते मिलते चला गया। तो मतलब मैनेजर के सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? नेचर है उनकी। नेचर? अगर आपकी नेचर से सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है तो गलत हो गई ना ये नेचर। तो चल खाना खा ले। नहीं भाभी मैं सचमुच बाहर होटल में खाना खा के आया। हाँ इनफैक्ट मैं ही नंदिता को डिनर के लिए ले गया था ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में, लेकिन
लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो चला गया है उस संजय चौहान के पास। चला गया? हाँ, विजय चौहान अपने मैनेजर के साथ तेरे दरवाजे पे कॉन्ट्रैक्ट की भीख मांगने आया था आज तेरे बेटे से। मैंने ना किया तो मन चाही रकम मांगने को बोला, अपना पार्टनर से बुलाने को तैयार हो गई तुम। जब फिर मैंने मना कर दिया। मांग मैंने विजय चौहान को ह्यूमिलेट नहीं चाहिए मुझे इतना छोटा सा बदला। बत्तीस बरस तुझे नाजायज औलाद कह के जिस खानदान में आराम से खुशियां भोगी है उससे बदला इतना छोटा नहीं हो सकता है बेटा। ने अपने कोप में उसी खून को पाला था जो विजय और अजय के रगों में दौड़ता है। फिर वे दोनों चाहे और तू ना जाए उन दोनों के पास इज्जत नाम रुतबा पैसा और तेरे पास बदनामी जिल्लत गरीबी और ठोकरी। बरस में 365 दिन 32 बरसों में 11,680 दिन 280,320 घंटे 1,68,19,200 मिनट और वो असंख्य पल 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 जिल्लत की आग में जल के तुझे तैयार किया है। क्योंकि कभी नहीं भूली मैं वो दिन जब तेरे पिताजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तब मैं उनके चौखट पर गिड़गिड़ाई थी। आपके नाम में काले बंद नहीं आए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो कैसे जाएगा आपका संजू? तू यतीम हो गया है आज। तुझे अपना नाम दिए बिना ही चला गया है तेरा बाप। लेकिन तू घबराना नहीं, मैं तुझे तेरा हक दिलवा के ही रहूंगी। दुखियारी की बात ठीक है। अगर तुझे वो घर नहीं देता तेरा हक तो मैं भी उस घर को सारे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी। ये नाजायज औलाद नहीं है लोगों, ये दीनानाथ चौहान की जायज औलाद है। शादी की थी उन्होंने मुझसे मंदिर में। लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, ना ही मैं उन्हें करने दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना। पर याद रखना, एक दिन ये बड़ा होकर जब वापस आएगा तो आग लगा देगा तुम सबको, जलाकर राख कर देगा चौहान खानदान को। राज तुझे उनकी चिता की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए वे खुद बुलाने आए तो तूने मना कर दिया? मुझे माफ कर दे माँ। तो कैसे भूल सकता है कि तेरी माँ के कोप पे थूकने वालों की चिता तैयार करने के लिए ही मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे। जिस हवेली ने अपनी झूठी शान से एक घर
पर मजबूर माँ को दर दर की ठोकरे और सारी दुनिया के ताने दिए, उनकी बर्बादी की चिता धधकती देखने की चाह न होती है, तो कब की तरह गला घोट कर खुदकुशी कर ली होती मैंने। दुनिया में माओ का अपने औलाद से भरोसा टूट जाएगा। ये वादा तोड़ा तो दुनिया में माओ का अपने औलाद से भरोसा टूट जाएगा। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना, याद रखना, रखना। जो भी सर्विस करता है उसका कहीं भी कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। जी हाँ अजय बाबू, जब भी कोई सर्विस ज्वाइन करता है ना, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं
और उसमें ये क्लॉज है एंड शी हैज साइंड इट। इतनी बेसिक बात तो मैं भी जानता हूं भल्ला साहब। आप लंदन में पढ़े हैं, कैसे नहीं जानेंगे। भाई साहब देखिए, भाई साहब नंदिता मेरे अंडर काम कर रही है और ऑल ऑफ अ सडन उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। डू यू नो हाउ अपसेट शी इज। उसे कह दो कि नौकरी छोड़ दे। भाई साहब you